अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, क्या हाल चाल है आप सबका। तो जी ये जो है ना सुबह का टाइम हो रहा था और अभी जो है ना ये अम्मी नाश्ता बना रही थी। वैसे तो पहले मैं बनाती थी लेकिन अब हम के स्कूल जाते हैं तो इसलिए अम्मी बनाती हैं, और सारे काम जो है ना वो अभी अम्मी ने ही जो है ना अपने हाथ में ले लिए। सारा काम अभी अम्मी करती हैं। तो यहाँ पर फिर अम्मी हमारे लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी, और जबकि एग हमारी बना रही थी ना तो इसमें हाफ फ्राई और आमलेट जो है ना वो आपस में जो है ना वो चिपक गए। बहुत ही जो है ना ये मज़े के लग रहे थे। तो अम्मी ने जो है ना मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि इधर आओ, ये देखो एक कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने कहा एक मिनट रुको, ज़रा मोबाइल जो है ना मैं लेकर आई और जल्दी से मैंने थोड़ा सा, वैसे तो इतना ज़्यादा ट्रेनर टाइम नहीं होता सुबह सवेरे क्योंकि स्कूल जाना होता है, पहुंचना होता है, तो इसलिए जो है ना मैंने छोटा सा फिर क्लिप बना लिया और उसे जो है ना थोड़ा सा स्लो मोशन में कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पर ये मेरा लंच बॉक्स है जो कि मैंने आपके साथ अपने बाइक का लंच बॉक्स शेयर किया था ना, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपना लंच बॉक्स शेयर कर लेती हूँ। वैसे भी जो है ना मुझे अभी आप लोगों के साथ इस तरह से जो है ना वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, और ये जो है ना एक मेरी रूटीन बन चुकी है अभी अभी। चाहे मैं जितनी भी थकी हूँ ना मैं वीडियो बना के ही रहती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ। और उसके अलावा ये हमारा दोपहर का खाना था जिसमें अम्मी ने पालक की सब्ज़ी बनाई थी। वैसे जो है ना पहले मुझे पालक की सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं होती थी सीरियसली, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये अम्मी ने न्यू स्टाइल से बनाई थी ना, तो मुझे तो बहुत मज़े की लगी और सबको जो है ना वो बहुत मज़े की लगी। और साथ में जी ये अम्मी ने चिकन भी फ्राई कर लिया था, दही भी थी, लस्सी भी था और लस्सी भी थी। और साथ में जी ये भाई ने, अम्मी ने स्पेशली भाई से कहा था ना कि 50 वाला नान लगाना, और ये जो है ना बहुत ही मज़े का नान भाई लेके आए थे, बिल्कुल रेड रेड क्रिस्पी सा। तो ये जो है ना दोपहर के खाने का तो बहुत मज़ा आया हमें। जो पालक थी वो भी अम्मी ने न्यू स्टाइल से बनाई थी बहुत ज़बरदस्ती, साथ में जो है ना मिट्टी के बर्तन में भी अम्मी ने डाला था, तो हमें तो देसी स्टाइल के इस तरह से खा के बड़ा ही मज़ा आया। अभी आप लोग की बारी है जी, आप लोगों ने भी जो है ना इस तरह से मिट्टी के बर्तन में खाना है और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताना है कि इस तरह से देसी स्टाइल से आपको खाना पसंद है या जिस तरह से नॉर्मली हम लोग खाते हैं उस तरह से पसंद है। और इसके अलावा जी ये कुछ दिनों पहले जो है ना बारिश हो रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, तो अभी जी मौसम जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया है, तो इसी जो है ना जब इस तरह से ठंडा ठंडा मौसम होता है तो फिर हमें थोड़े से जो है ना भूख भी लगती है। तो ये 5 बजे का टाइम था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने अम्मी से कहा कि हमारे लिए कुछ बना लो, तो शकरकंदी फिर अम्मी ने हमारे लिए बनाई। और ये वैसे बहुत ही जो है ना ईजी रेसिपी है, और यहाँ पर जी मेरे जो है ना बैठ के खा भी रहती थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि मुझे शकरकंदी बहुत पसंद है। और ये जी अम्मी ने बस इस पर काला नमक और चाट मसाला डाल लिया था, बस ये सिंपल सी रेसिपी। और हाँ अगर आप लीमू डालना चाहें तो डालिएगा, लीमू के साथ भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिल्कुल भी नहीं भूलना, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।